हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली हम लोग जो है करवा चौथ के दिन, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही ब्लॉग में बता चुकी हूँ, सेम ब्लॉग में, कि मैं और मेरी फैमिली करवा चौथ के दिन अपने गांव गए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और शाम को पहुँच करके फिर वहाँ पर सब ने तैयारी कर रखी थी। और मैं तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा बिजी थी, क्योंकि माधव ने वॉमिट कर दिया था तो वो थोड़ा सुस्त हो गया था बेटा, इसलिए मैं तो बच्चों को ही देख रही थी। लेकिन मम्मी ने और बुआ, चाची, इन सब लोगों ने मिलकर के पूजा की तैयारी बहुत अच्छे से सब कर ली थी। जो मिट्टी के कलश होते हैं वो हम लोग अपने घर से ले गए थे, लेकिन हमारे यहाँ एक पीतल का भी होता है, गड़वा जिसको बोलते हैं, उसको भी पूजा में यूज किया जाता है। बट मैं और बिट्टू वो लेकर के नहीं गए थे, और उन्होंने मिट्टी के जो कलश होते हैं ना, उन्हीं से ही वहाँ पर पूजा की थी। तो उनमें जो मिट्टी के कलश होते हैं और जो पीतल का भी होता है, तो उसके अंदर चिवड़ा और गट्टे, मीठे में कुछ और पूड़ियाँ बनती हैं, वो सब हमारे यहाँ उसके अंदर भर के रखा जाता है पूजा के लिए। और वो जो येलो वाली झाड़ू वाली सीख होती है, वो करवा जो होता है उसके आगे लगाया जाता है। ये सारे प्रोसेस पूजा के मम्मी ने और बिट्टू ने मिलकर के सब ने कर लिए थे। और तब तक मैंने बच्चों को शाम का नाश्ता करा लिया था, क्योंकि दोपहर में तो बच्चे सो गए थे जब आकर के। फिर जब वो उठे हैं थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद में, फिर उन बच्चों को मैंने नाश्ता करा लिया। पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी, बस अब हम लोग जो है शाम को अब अपनी खुद के तैयार होने के लिए ही सोच रहे थे। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा अपने आप को नहीं मैं ट्रीट कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जुकाम हो रखा था कि सर भी बहुत दर्द कर रहा था। तो कुछ भी नहीं ऐसा किया था जैसा हम लोगों ने सोच रखा था, वैसा हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए फिर। और बच्चे भी बीमार हो गए तो और भी मन नहीं लगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ही रेडी हो गए थे मैं भी, और बिट्टू का भी विशेष मन नहीं लगा तो वो भी ऐसे ही नॉर्मली सा ही हम लोगों ने मेकअप कर लिया था बस। हम सभी लोग अपनी दादी सास के यहाँ आपकी बार का करवा चौथ मनाने आए हैं, और हमारे यहाँ अभी इस समय 7 लोग हैं। छत पे तो इतने सारे कीड़े भी आ रहे, जबकि भी अंधेरा कर रखा है। पूजा के टाइम ही हम लोग यहाँ लाइट ऑन करेंगे, नहीं तो काफ़ी कीड़े आ जाएंगे। पूजा की सारी तैयारी, क्योंकि यहाँ पर मतलब मेरे घर में और मौसी के यहाँ तो ये सब पूजा एक जैसी होती है, पर सब तैयारी यहाँ पर मौसी सास ने की है। ये जो सूरज चंद्रमा ये बनाया जाता है ना, ये सब कुछ मौसी ने बनाया है। और ये हैं वो प्यारी प्यारी सी, इन्होंने ही पूरी तैयारी की है। इसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा डांस किया, ऊपर लाइट नहीं हम लोग ऑन कर सकते थे क्योंकि इतने कीड़े आ रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ लाइट नहीं ऑन की। सभी लोग अपने मोबाइल के फ्लैश से ही काम चला रहे थे, बस वेट हो रहा था कि कब चांद निकले। सभी लोग बैठे हुए थे, बस एक दूसरे को फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, यही सब चल रहा था इतनी देर तक। इतने कीड़े थे कि जैसे ही लाइट ऑन करो तो वो आँख में मुंह में जा रहे थे, तो हम लोग तो बस ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं क्लिक किए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वेट कर रहे थे। बच्चा अभी नहीं निकला है, मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत प्यास लग रही है। जो फायर बलून होता है उसको देख देख करके, चांद आया सब चिल्ला रहे हैं। फिर मम्मी ने कहा चलो अब बहुत फोटो हो गए, अब सब लोग अपने पूजा का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। फिर सब लोगों ने अपने अपने कलश का जो दीपक होता है वो जला करके रख लिया था, क्योंकि अब जैसा कि बताया गया था कि चंद्रमा निकलने का टाइम हो गया है। तो फिर हम लोगों ने अपने जो मतलब चंद्रमा निकलता है उसके पहले के जो प्रोसेस होते हैं पूजा करने के, वो जैसा जैसा मम्मी हम लोगों को बताती गई उसी से हिसाब से हम लोग करते गए। हम लोग दीपक जला लिया था, और जो चौक के पास में जो बनाया गया था वहाँ पूजा करना, ये सारी चीज़ें कर ली थी। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ना गलत डायरेक्शन पे बैठ गए थे, चंद्रमा जो था वो दूसरे साइड से दिख रहा था, और हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे कि अभी निकल रहा
लेकिन जब देखा कि कुछ लोग उधर साइड, मतलब गांव में और भी लोग जो कर रहे थे, उनको जब देखा कि वो उधर साइड को पूजा स्टार्ट हो गई, तो हम लोग जब देखने गए तो वो डायरेक्शन ही गलत था। फिर हम और बिट्टू थोड़ा जल्दी उस जगह से आ गए, तो हमने बिट्टू ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सब लोग अपने अपने कलश लेकर के फिर दूसरी जगह पर आ गए। इसके बाद में मैंने कथा सुनाई, फिर सभी लोगों ने करवा चौथ की कथा को सुना। और जो प्रोसेस होते हैं कथा के बाद में, उनको अच्छा चढ़ाना, ये सारी चीज़ें, चंदन टीका, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की माता रानी को। और फिर मम्मी ने बोला कि सब लोग हाथ जोड़ करके बैठो, अपने मन में अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करो, यही सारी चीज़ें की। और फिर जैसा आपको बताया था कि लट धोवा जो होता है करवा चौथ के दिन, एक चांदी का कुछ भी सिक्का, मतलब जो भी होता है चांदी का एक लिया जाता है आइटम, उसमें बालों के एक लट को लेकर के जो हमारे यहाँ आटे के जो फरे होते हैं वो हाथ में लेते हैं, फिर वो जो झाड़ू की सीख होती एक एक को डालते आते हैं, और एक दूसरा बंदा जो कि जल देता है उसमें, तो वो बालों उसी लट पे जल डालता है, और हम लोग एक एक करके सीख को नीचे गिराते जाते हैं। और अर्घ देना वो चंद्रमा को मम्मी ने बोला, जो बोला जाता वो प्रोसेस बोलते आते हैं। ऐसा मैंने बिट्टू के साथ किया और बिट्टू ने मेरे साथ किया, और इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूजा गाँव में बहुत अच्छे से पूरी की। अच्छा लगा, इंजॉय किया, लेकिन थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी तो इतना मन नहीं अच्छा हो रहा था। शायद कानपुर में होते तो जैसा सोचा था कुछ और भी इंजॉय करते, लेकिन हाँ उससे बेहतर इंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि कहाँ हम लोग जा पाते हैं गांव, सब लोगों के साथ में मिल करके करना हो पाया, इसलिए बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।